दोस्तों हर स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स को पास प्रमोशन पॉलिसी की पूरी और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और हर क्लास के लिए पॉलिसी अलग होती है। नाइन्थ क्लास की हमने अलग वीडियो डाली है, आठवीं क्लास तक की अलग वीडियो है। आज की वीडियो में हम इलेवंथ क्लास की बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा मार्क्स का, मिड टर्म का, फाइनल टर्म का, प्रैक्टिकल है, इंटरनल असेसमेंट है, स्किल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, सभी की बातें करेंगे यहाँ पर। कौन से बच्चे पास, कौन से बच्चे फेल और कौन से बच्चे कंपार्टमेंट में कंसीडर होंगे, किस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, कौन सी कंडीशन होगी। भाई कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पास होने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं ट्रिक आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयरिंग जरूर करें क्लास ग्रुप में, साथ में चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी वीडियो अपडेट सभी कुछ लगातार आपको शेयर होती रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सारी बातें हम पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप ध्यान से समझे 2023-24 के लिए, और इट इज़ मैंडेटरी टू पास ऑल फाइव मेन सब्जेक्ट। भाई आपको मेन जो आपके पांच मेन सब्जेक्ट हैं उसमें आप सभी को पास होना कंपलसरी है। कैसे पास होंगे वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे, तो इट इज़ मैंडेटरी टू स्कोर मिनिमम 25% इन द एनुअल एग्ज़ाम। ध्यान से समझे, मिड टर्म में कितने आए हैं, फाइनल में कितने आए हैं, प्रैक्टिकल में कितने आए हैं, इंटरनल में, सारी चीज़ें आपको खुद यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो कमेंट करने से पहले एक बार देख लो, एनुअल एग्ज़ाम में आपको हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। ये 25% आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। भाई कुछ एग्ज़ाम आपके 80 नंबर के पेपर हुए हैं, लाइक हिंदी वगैरह का आपका 80 नंबर का होता है तो हिंदी में आपको 80 में से 20 लाने हैं, राइट। कुछ पेपर आपके होंगे ये 70 नंबर के होंगे, लाइक इंग्लिश वगैरह, भाई ESL वगैरह होता है इसमें, तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जो पेपर आपका 70 का हुआ है उसमें आपको एनुअल एग्जाम में 18 नंबर मैंडेटरी है। 18 से कम आएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पास कैसे होंगे फिर भी मैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो पेपर 60 का है उसमें से 15 और कुछ पेपर आपके 50 में से भी हुए हैं, लाइक आपके स्किल सब्जेक्ट वगैरह हो गए तो आपके 13 नंबर आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझेंगे, कंबाइंड 33 मार्क्स इन थ्योरी इज मस्ट मिड टर्म प्लस एनुअल एग्जाम। भाई ओवरऑल आपका 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। ये 33 क्या है आपके मिड टर्म में एंड एनुअल एग्जाम में, दोनों को मिला करके भी दूसरा क्राइटेरिया कि आपका 33 होना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज होंगे, भाई 25 चाहिए या 33 चाहिए मेरे प्रैक्टिकल वगैरह। अभी प्रैक्टिकल की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रही है, भाई मिड टर्म की बात हो रही है और एनुअल एग्जाम की बात हो रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मिड टर्म के कितने नंबर लग रहे हैं, फाइनल के कितने लग रहे हैं, तो एक बार मैं आपको मार्क्स का कन्वर्जन बताता हूँ कि भाई मिड टर्म के आपके कितने में कन्वर्ट होंगे, फाइनल वाले कितने में कन्वर्ट होंगे, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार हम थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट, ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर 2780। दोनों को मिलाकर के भाई, दोनों को मिलाकर ध्यान से देखें, मिड टर्म और एनुअल, अभी इंटरनल की बिल्कुल बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। आप जो मिड टर्म और एनुअल दोनों को मिला करके 80 में से जब आपके मार्क्स बनेंगे तो 80 में से आपको 27 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, 70 में से 23 लाने हैं क्योंकि 33 है, इससे पहले मैं 25 की बात कर रहा था, अब आपको ओवरऑल 33 लाने हैं। 80 में से आपको 60 लाने हैं, तो ये आपको ओनली इन थ्योरी है ना, सिर्फ थ्योरी में। अब सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ, ओवरऑल मार्क्स इन मैंडेटरी 33, और ओवरऑल भी भाई तीन क्राइटेरिया है, पहला आपका एनुअल में 25 आने चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है मिड टर्म एंड एनुअल दोनों के थ्योरी में 33 आने चाहिए, एंड थर्ड है ओवरऑल जो आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपके इंटरनल असेसमेंट हो गए, सबको मिला करके 33 होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल की बता आपको मार्क्स का कन्वर्जन बताता हूँ कि भाई किस बेस पर आपके मार्क्स कन्वर्ट होंगे एनुअल का, मिड टर्म का, तो एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो भाई इस लिस्ट को ध्यान से समझें क्योंकि यही मेन आपका सारी मुसीबत की जड़ यही होती है, आप इसी को नहीं समझते। ओवरऑल जो वेटेज है ना, मार्क्स का वेटेज है वो किस तरह से लगेगा, तो देखो आपका जो थ्योरी है जिनमें प्रैक्टिकल होगा आपका ना, जिन जिन सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल है उन सभी की बात करूंगा कि थ्योरी में आपके 70% लगेगा एंड प्रैक्टिकल के 30% आपके लगेंगे, राइट। अब ये भी मिड टर्म और एनुअल का अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हमारा है मिड टर्म, मिड टर्म में कैसे लगेगा, तो मिड टर्म का आपका 20% थ्योरी, यानी कि अगर आपका 70 नंबर में आया है तो 70 वापस कन्वर्ट होकर के 20 में लगेगा, राइट, मतलब आधे से भी कम, क्योंकि 20 का आधा कितना होता है, 70 का 35 होता है, तो आप 70 वाले नंबर 20 में लग जाएंगे, तो 35 वाले नंबर 10 में लग जाएंगे, अगर आपके 35 नंबर आ रहे हैं तो 10 लग जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल है वो 30 को कन्वर्ट करके 5 में लग जाएगा। ओवरऑल 25 नंबर आपके मिड टर्म से
और फाइनल का जो आपका 70 और 70 नंबर का पेपर होगा, जो 70 का होगा या 80 का होगा, उसमें से आपको 50 नंबर ही कन्वर्ट हो जाएंगे। 80 भी आपका 50 में कन्वर्ट होगा, 70 भी 50 में कन्वर्ट होगा, एंड जो 60 है वो भी 50 में कन्वर्ट होगा। जो 50 का है वो टोटली उसके पूरे नंबर लगेंगे आपके, राइट। और बाकी प्रैक्टिकल के 25 लगेंगे। तो भाई एनुअल एग्जाम के 75 नंबर हैं एंड 25 नंबर आपके मिड टर्म के हैं, ये ध्यान रखें प्रैक्टिकल वाले। अब हम बात करेंगे थ्योरी, थ्योरी 60 नंबर में और प्रैक्टिकल 40 नंबर में आपका होगा, ये मिड टर्म का है और ये फाइनल टर्म का, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे भी है जिनमें एयर सेल वगैरह होगा, एयर सेल है या आपके कुछ इंटरनल असेसमेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह, तो इसमें क्या होगा, हिंदी आपकी 80 की आएगी और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है 20 का होगा। जैसे आपका 10th में हुआ, जैसे आपका 9th में हुआ, सेम आपका यहाँ पर ये इसमें भी चलेगा। यहाँ पर भी आपकी थ्योरी में सिर्फ 25 नंबर लगेंगे, क्योंकि 20 नंबर आपके इंटरनल में सीधा 20 में से आ जाएंगे, है ना। और जो फाइनल होगा वो 80 नंबर का पेपर 55 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। भाई 55 और 25 हो गए 80, एंड देन 20 नंबर आपके इंटरनल हो गया या एयर सेल वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं फिर से आपको ले चलता हूँ सीट पर। तो अब नंबर एक प्यारे से कमेंट का, नीचे कमेंट करना है आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट में लग रहा है जिसमें कि आप फेल हो सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि वो सब्जेक्ट में फेल होते हैं कि नहीं होते, कमेंट कर लीजिए। अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी जरूर मेंशन करें। आगे बढ़ते हैं और आप मैं इंस्टाग्राम पे, आप में व्हाट्सएप पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कॉल बिल्कुल ना करें, सिर्फ अपना जो भी यूनिक सा डाउट है उसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगला देखो, ए स्टूडेंट मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। आपको थ्योरी में भी पास होना है, प्रैक्टिकल में भी पास होना है, ऐसा 9th में नहीं होता है, ऐसे 10th में नहीं होता। 10th में क्या होता है भाई, आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिला करके पास होते थे, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा हो कि आपके बहुत बढ़िया नंबर एग्जाम में लिखने में आ गए बट आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो भाई आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए टीचर से बढ़िया बना करके रखें, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें रेगुलर और प्रॉपरली दें, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे घूमने फिरने वाले, लफंगे, लड़ाई झगड़े वाले हैं ना भाई, उनको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं उन्हीं बच्चों को सेपरेटली कहता हूँ कि भाई ये मस्ती लड़ाई झगड़ा छोड़ करके अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि करियर एक बार बनेगा आपका, और अगर आप बर्बाद हो गए तो फिर बर्बाद हो गए। अब मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में ओवरऑल 33 नहीं बने, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम 10 मार्क्स में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ये किस में मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम में, सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा 10 मार्क्स का, ठीक। और ये 33 लाने के लिए बनेगा, मतलब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 25% से अब मार्क्स आ गए हैं, लेकिन आप 33 तक नहीं पहुंच पाए, ओवरऑल प्रैक्टिकल वर्क सारा मिला मिला करके आप नहीं बन पाए, तो अब आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा जो भी रिजल्ट, ताकि आपका 33 बन जाए, ठीक है। 10 नंबर का मिलेगा, लेकिन भाई ध्यान रखें 10 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स ग्रेस इज अलाउड इन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही एक सब्जेक्ट में सिर्फ 5 ही नंबर आपको मिलेंगे, राइट। तो ये ध्यान रखें आप कि भाई 5 ही नंबर मिलेंगे। इन ऑर्डर टू गेट ग्रेस मार्क्स इन स्टूडेंट मस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ 80 मार्क्स 70 ओके आउट ऑफ गेट द ग्रेस मार्क्स। तो भाई ग्रेस मार्क्स जो आपको मिलेगा ना, वो आपको 80 में से 20 के लिए नहीं मिलेगा, 25 के लिए। 25 अगर आप 25% आपके आ गए, उसके बाद आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए। ए स्टूडेंट हु पासेज आफ्टर गेटिंग द ग्रेस मार्क विल बी इंटाइटल्ड एज प्रमोटेड। तो जिसको ग्रेस मार्क्स मिलेगा वो भी प्रमोटेड हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब री एग्जाम में भी देखें भाई, कंपार्टमेंट इज अलॉट फॉर मैक्सिमम वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में। भाई मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में आप नहीं आ पाए, ना आपके 25 आए, ना आपके 33 बन पाए हैं, जो भी कुछ रहा हो, ग्रेस मार्क्स जोड़ करके भी नहीं मिले, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री में आपके नहीं नंबर आए, लेकिन बाकी सब में आ गए, तो सारे में पास और हिस्ट्री में आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। मान लीजिए आप ज्योग्राफी में हैं, आप पॉलिटिकल में, जो भी कुछ है, मैथ में, साइंस में, व्हाटएवर, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देना है और आप पास हो जाएंगे। बट अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप हिस्ट्री में भी हो गए, पॉलिटिकल में भी हो गए, तो भाई आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना, मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा 11th में, ये आप अभी समझ लो, ठीक। आगे देखो, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 33% मार्क्स टू पास द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। और जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पर आपको ओवरऑल 33% आपको लाने ही लाने हैं, है ना। वहाँ पर आपको 80 में से 27 लाने पड़ेंगे, जो जो पेपर आपका 80 नंबर का होगा 27 सीधा,
70 वाला में 23 है, 20 में आपको 60 है, और 17 आपके 50 में से, मतलब वहाँ पर आपको कोई भी इंटरनेट वगैरह कुछ ये नहीं मिलेगा, सीधा आपको टोटल ले लाने हैं। इफ़ स्टूडेंट फेल इन री एग्ज़ाम ही विल स्टे इन 11th क्लास एंड नेक्स्ट द नेक्स्ट सेशन। अगर फेल हो जाता है तो भाई आपको नेक्स्ट ईयर भी सेम क्लास में ही रहना पड़ेगा, आप जो है पास नहीं हो पाओगे। एक और चीज़ है, आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, जो फाइनल कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा वहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कंपार्टमेंट में भी टोटली वही रहेगा जो आपका फाइनल एग्जाम में था, यानी कि टोटल सब्जेक्ट आपको आएगा। बाकी भाई फटाफट से अपने स्कूल का नाम, अपना नाम और कौन से सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ताकि सभी तक सही जानकारी मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।